दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और शिखर धवन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 के मुकाबले से पहले टीम के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद तो अब ये पूरी तरह से साफ हो गया। 6 ऐसे भारतीय खिलाड़ी होंगे जो T20 मुकाबले में नहीं खेलेंगे, जिन्होंने अब तक टीम में शानदार भूमिका निभाई थी। इस वीडियो में हम आपको उन 6 खिलाड़ियों के साथ साथ पूरी प्लेइंग 11 के बारे में बताएंगे जो दूसरे T20 मुकाबले में खेलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और शिखर धवन में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में T20 सीरीज पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर आ चुकी थी, लेकिन कुणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब भारतीय टीम को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। टीम के कुछ स्टार खिलाड़ियों को भी आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है, जिसमें पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, कृष्णप्पा गौतम, यजुवेंद्र चहल और दीपक चहर और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। और अब होने वाले दूसरे T20 मुकाबले में लगभग एक दूसरी भारतीय टीम इस मुकाबले में खेलती हुई नजर आएगी। चलिए बताते हैं आपको कौन से खिलाड़ी इस मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बता दें कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर शिखर धवन के साथ ही इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी शॉ की गैर मौजूदगी में वो एक बेहतर तरीके से ओपनिंग की जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। बता दें कि IPL में भी गायकवाड़ का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा था। उसके साथ ही 3 नंबर की जिम्मेदारी को संभालने के लिए देवदत्त पणिक्कल आज अपना T20 डेब्यू कर सकते हैं, क्योंकि बड़े खिलाड़ियों के टीम से बाहर होने पर देवदत्त पणिक्कल ही एक ऐसे बल्लेबाज माने जा रहे हैं जो अनुभवी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जबकि 4 नंबर की जिम्मेदारी को संभालने के लिए संजू सैमसन को टीम में शामिल किया जाएगा। सैमसन का प्रदर्शन शुरुआती मुकाबलों में अच्छा रहा था, उन्होंने पहले मुकाबले में 46 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा दोस्तों, 5वें नंबर पर नीतीश राणा को टीम में जगह दी जा सकती है। नीतीश राणा आज अपने T20 इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे और इस बल्लेबाज में वो प्रतिभा है कि मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी को बखूबी ढंग से निभा सकते हैं। वहीं इसके बाद 6वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मनीष पांडे को टीम में जगह दी जा सकती है, जबकि 7वें नंबर की जिम्मेदारी को संभालने के लिए भुवनेश्वर कुमार टीम में शामिल रहेंगे। बतौर ऑलराउंडर वो भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसा कि हमने दूसरे वनडे में देखा भी था। इसके अलावा 8वें खिलाड़ी के रूप में कुलदीप यादव को टीम में जगह दी जाएगी। यजुवेंद्र चहल की गैर मौजूदगी में इस गेंदबाज के ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी कि श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाएं। वहीं 9वें खिलाड़ी के रूप में नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया जाएगा, जबकि 10वें खिलाड़ी के रूप में राहुल चहर को टीम में जगह दी जाएगी। आपको बता दें कि राहुल चहर 3रे ODI मुकाबले में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें आप दूसरे T20 के प्लेइंग 11 में देख सकते हैं। वहीं अंतिम गेंदबाज के रूप में चेतन सकारिया टीम में शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 11 खिलाड़ी जो दूसरे T20 मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। लगभग ये दूसरी टीम बन चुकी है। अब आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम इस टीम के साथ में श्रीलंका से दूसरा T20 मुकाबला जीत पाएगी या फिर नहीं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।